बात होती है मुख्यमंत्री जी से? नहीं, निश्चित होती है। अगर हम 7 साल से एक ही कैबिनेट का हिस्सा हैं तो बात तो लगभग हर सप्ताह होती है, हर सप्ताह कैबिनेट भी होती है। अब चुनाव आचार संहिता लागू है, इस समय चुनाव चल रहे हैं, इस समय उतने कोई ऐसे विषय नहीं आते हैं, लेकिन इस समय चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, मैं इसलिए सवाल करना चाहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष रहे, सरकार बना दी और अभी तक बनी हुई है, फिर से बनना चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष? नहीं देखिए, ये कोई बनना चाहता है कुछ इससे मतलब वह बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी जिसे जो बनाना चाहती वो बनता है पार्टी में, और अपेक्षा भी नहीं रखना चाहिए। और कम से कम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, मैं यह मानता हूँ कि जो भी जिम्मेदारी मुझे विधायक के रूप में सेवा करने का पार्टी ने अवसर दिया 2012 में, तो मैं विधायक बना। 2014 में लोकसभा का टिकट दिया तो मैं सांसद बना। 2016 में मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया उत्तर प्रदेश में सरकार लाने के लिए, तो जितना परिश्रम कर सकता था परिश्रम किया। 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद मुझे उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के लिए कहा गया, तो उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। दूसरा कार्यकाल आया, उसमें भी उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। ये पार्टी देती काम निर्धारित करती है कि कौन सा कार्यकर्ता क्या काम करेगा। अच्छा, केशव जी के लिए कोई ऐसा राजनेता रहा है जो बड़ा आदर्श रहा है उनके लिए? देखिए, राजनीति में वर्तमान में आदर्श तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और आने वाले बहुत लंबे समय तक जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर राजनीति करेगा उसके लिए अगर कोई आदर्श होगा तो वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, क्योंकि परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले, 18 घंटे देश की सेवा में समर्पित रखने वाले, 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानने वाले, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले, मतलब इतने नरेंद्र मोदी जी इतने मुद्दे लेकर के चल रहे हैं। और कोई भी ऐसा नहीं है लक्ष्य कि कोई लक्ष्य लिया और वह लक्ष्य छूट गया। एक कहते हैं ना कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, तो वह लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे, हम गरीबी से मुक्त भारत बनाएंगे, हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, देश की सीमाओं को सुरक्षित रहे ऐसा भारत बनाएंगे। कोई दुश्मन हमें आंख दिखाए तो हम आंख उसकी निकाल लेने की सामर्थ्य वाला भारत बनाएंगे। हम चंद्रयान 3 भेज करके जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया दक्षिणी छोर पर, वहां पर भी तिरंगा फहराएंगे और शिव शक्ति के रूप में उस स्थान का नामकरण करने का काम करेंगे। हम भगवान सूर्यदेव, जो भास्कर भगवान भास्कर के नित्य सब दर्शन करते हैं, उनकी ऊर्जा से सब ऊर्जित रहते हैं, उसके लिए भी आदित्य L1 भेजने का काम करेंगे। और भी ऐसे तमाम क्षेत्रों में, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे उद्योग के क्षेत्र में, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में, देश ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाए हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो तय करते, जो कहते हैं वो करते। ये तो रहा कि प्रेरणा नरेंद्र मोदी से मिलती है, और ऐसा कोई नेता जिससे आप कहना चाहते हैं कि इससे कभी प्रेरणा मत लें? वो तो नेता है एक, श्री राहुल गांधी जी है ही, अगर उनसे प्रेरणा लेंगे तो स्वयं भी अपने को बर्बाद करोगे, अपनी पार्टी को भी बर्बाद करोगे। श्री अखिलेश यादव जी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर उनसे प्रेरित हो गए तो आप समझिए कि जैसे सपा है वह समाप्तवादी पार्टी बन रही है, तो वैसे जिसको अपनी पार्टी को समाप्त करना हो, अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन को समाप्त करना हो, वो श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी से। मुझे अखिलेश जी से एक बात याद आई, केशव जी आप तो गाय के लिए बड़ा काम करते रहे शुरुआत से, गौरक्षा दल में भी रहे। केशव प्रसाद मौर्य देखते हैं, वो वीडियो डालते रहते हैं, सांड का वीडियो डाल देते हैं बार बार, वो कभी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बोलते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि श्री राहुल गांधी जी से और श्री अखिलेश यादव जी से कोई प्रेरणा ना ले। हर प्रदेश देश के युवा को मैं कहना चाहता हूँ, इनसे आपने प्रेरणा लिया तो ये विरासत में सियासत कर रहे हैं, इनकी सियासत अपने मेहनत के दम पर नहीं है। और इनसे अगर आपने प्रेरणा लिया तो वो ऐसे ट्वीट करेंगे जो जनहित से जुड़े हुए होंगे ही नहीं। अच्छा, वो दोनों साथ आ गए इस बार फिर से, दो अच्छे लड़के एक बार और आए थे 2017 में आए थे, और 2017 में सपा सरकार में थी, और जब चुनाव परिणाम आए तो 47 पे सपा सिमट गई और 6 या 7 पर कांग्रेस सिमट गई। तो कांग्रेस और सपा का सफाया तो 2017 में हो गया, इस बार
इस बार तो मुझे लगता नहीं है कि सपा बसपा कांग्रेस किसी का भी यूपी में खाता खुलेगा, ऐसा कहीं कोई लक्षण। कितनी सीट लग रही है इस बार? 80 की 80 सीटें भाजपा और हमारे गठबंधन के जो साथी हैं वो सब जीत करके संसद में पहुंचेंगे। और 400 पार का नारा अहंकार नहीं है, विनम्रता पूर्वक जनता का समर्थन है। चुनाव कार्यकर्ता तो लड़ ही रहा है, लेकिन इस बार चुनाव जनता लड़ रही है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाना है क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है। अच्छा, आपने कहा कि इन लोगों से नहीं लेनी चाहिए प्रेरणा, तो यूपी का युवा क्यों नहीं आता इन लोगों के साथ? किनके साथ? इनके साथ। तो यूपी का युवा क्यों आएगा? वो समझदार है, यूपी का युवा मूर्ख नहीं है। जिसको कह वो तो कह देते हैं कि यूपी का युवा जो है नशेड़ी है, इस टाइप की बातें कह देते हैं। वो उनका नशा उतार दिया है ना, श्री राहुल गांधी जी का नशा जो चढ़ा था 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में उतार दिया। अच्छा। अभी जो नशा थोड़ा बहुत बचा होगा 2024 में पूरी तरह से उतार देंगे। अभी दो विधायक कांग्रेस के हैं और एक सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, और श्रीमती सोनिया गांधी जी इस बार राजस्थान के रास्ते राज्यसभा में चली गई हैं। और इस बार जब कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में जब खाता ही नहीं खुलेगा, तो उनका जो नशा चढ़ा है युवा ही उतार देगा। युवा मोदी जी के साथ है, युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, युवा कमल खिलाने के लिए तैयार बैठा है। युवा हमारा प्राण है, हमारा सब कुछ युवा है। आप तो देखिए ओबीसी के बड़े लीडर हैं, राहुल गांधी ओबीसी की बड़ी चर्चा करते हैं। देखिए ये राहुल गांधी जी के लिए मैं कहता हूँ कि ओबीसी की जो चर्चा करते हैं, जब 60 साल तक इन्होंने सरकार में रह करके काम करने का इन्हें मौका था। 10 वर्ष की सरकार तो श्री मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में, मनमोहन सिंह जी तो स्टैचू की तरह थे कि उनको एक पुतले की तरह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया। और उस सरकार को चलाने का काम श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, यही तीनों लोग कर रहे थे। तब किया उस समय इन्होंने कुछ नहीं किया। अब इनको एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक ओबीसी का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो इनको लग रहा है कि वो जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटे। ओबीसी हटने देगा? ओबीसी भाजपा के साथ है, और वो भाजपा के साथ केवल ओबीसी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ संपूर्ण समाज भाजपा के साथ है, संपूर्ण समाज मोदी जी के साथ है। ओबीसी आपके साथ है, और एक और पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, मतलब है मायावती की, वो कहाँ है आजकल? वो भी मैंने तीन नाम दिया था, सपा समाप्तवादी पार्टी, बसपा बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी, और कांग्रेस मुक्त भारत, और उसकी शुरुआत अरुणाचल से होगी। ये जो आप लाए समाप्तवादी, बिल्कुल समाप्तवादी, ये सोचा है एकदम अभी याद आया? नहीं, मैं सोचा नहीं हूँ, मैं तो एकदम विश्वास से कह रहा हूँ। केवल ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपके साथ इंटरव्यू में आपने सवाल कर दिया, इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए, जब कोई राजनीतिक दल होता है, उस राजनीतिक दल की कोई नीति होती है, उनका कोई विजन होता है, और अगर सत्ता में नहीं रहे तब तो आप कुछ भी बताओगे लोग मान लेंगे। जब आप सत्ता में रह करके सत्ता से बाहर जाने के बाद बातें करोगे, तो लोगों को पता है कि जब सत्ता में थे तब किया नहीं, जब सत्ता से बेदखल हो गए और आज तमाम वादे कर रहे हो, तो जो वादे तुम कर रहे हो वो वादे तुम पूरा करने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी वह सब कुछ कर रही है, भाजपा की सरकार वह सब कुछ कर रही है जो जनता की अपेक्षा है, गरीब के कल्याण के लिए। आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं तो उस परिवार से आता हूँ जिस परिवार के पास जीवन जीने के सारे संसाधन जो होने चाहिए वह भी नहीं थे। रहने का घर पक्का नहीं था, कच्चा मिट्टी का जो मकान होता है, छत होती है, उसके नीचे हम लोग रहते थे, भाई बहन सब माता पिता के साथ। अब रात में पानी बरसने लगे और छत टपकने लगे, मेरी माँ उस समय, आप समझिए, मैं तो उस समय को याद करके वास्तव में मैं बहुत द्रवित हो जाता हूँ कि घर में छाता भी नहीं होता था, क्योंकि खेती करते थे तो खाद खरीद करके, यूरिया खरीद करके आती थी, उसकी बोरी होती थी, उसको सर पे रख करके रात के अंधेरे में छत पे चढ़ करके टपकते, जहाँ से पानी टपक रहा उसको बंद करके आना, कुछ देर के बाद फिर टपकने लगे, फिर रात भर जाग जाग करके बितानी पड़ती थी। आज देश में 4 करोड़ से अधिक ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग पीने के पानी के लिए कुएं से पानी निकालते थे, बताया। आज हर घर नल से जल पहुंच रहा है। मेरे पिताजी बीमार थे, 5,000 रुपये के लिए खेत गिरवी रखना पड़ा जिससे परिवार का पेट भरता था। आज 5,00,000 रुपये तक के इलाज की सुविधा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से उपलब्ध हो रही है। हर घर नल से जल जा रहा है। पहले पढ़ने के लिए हम लोगों को याद है
आप समझिए कि हम लोगों को ड्रेस उस समय स्कूल में पहन के जाना था, तो ड्रेस बनाने के लिए घर में पैसे का अभाव रहता था। अगर हम लोग पैंट और शर्ट जो पहनते थे, हमें याद है कि पैंट का जो पीछे का हिस्सा रहता था वो फट करके एकदम पूरा ओपन रहता था। और आज ऐसे जो बच्चे आज गरीब परिवारों के पढ़ने के जाए, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने के लिए जाए, उनको ड्रेस भी दिया जाता है, जूता मोजा भी दिया जाता है, किताब कापी भी दिया जाता है, उनको भोजन भी दोपहर का दिया जाता है। पहले तो दोनों समय भोजन मुश्किल रहता था। बिल्कुल। तो यह जो संकट था पहले, अब दूर हो रहा है। आज वह संकट, हमारे घर में भी बिजली का कनेक्शन नहीं था। बिजली का कनेक्शन आया है कई वर्षों बाद, लेकिन आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक भी ऐसा घर नहीं है कि अगर अमीर आदमी के घर में बिजली जल रही है तो गरीब के घर में बिजली जलाने की गारंटी माननीय नरेंद्र मोदी जी। जब एक चीज़ बड़ा चर्चा का विषय रहती है, बड़े बड़े राजनेता होते हैं, उनको दिल्ली बुलाया जाता है, दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, केशव जी को बुलाते हैं दिल्ली? जब बुलाया जाएगा तो उसमें कोई जाने में देर नहीं करता। ये कांग्रेस की संस्कृति होगी या दूसरे दलों की संस्कृति होगी कि अगर भाजपा का कोई कार्यकर्ता है, भाजपा का नेतृत्व तो अगर कहता है किसी को दिल्ली आना है कि लखनऊ जाना है कि कहीं कुछ और करना है, जो आदेश होता है पार्टी का आदेश मान करके कार्यकर्ता करता है।